देखिए बेटा, याद रखिएगा कि जब तक आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता है, सेंटेंस में टेंस सही डालना नहीं आता है, आप कोई भी चीज़ अच्छे से कर नहीं पाएंगे। इंग्लिश ग्रामर बस समझ आ रही है, इसमें कोई माफ़ी नहीं है बेटा, टेंस के अंदर कोई माफ़ी नहीं। अगर आप टेंस के अंदर माफ़ी चाहते हैं, टीचर आपको माफ़ करता है, तो अपना पैसा कमाने के चक्कर में खाली लगा हुआ है, फिर कोर्स कंप्लीट करा के कैसे हूँ पैसा दे, समझ रहे हो? अगर वाकई सिखाना चाहेगा टीचर आपको, तो टेंस के अंदर माफ़ी नहीं देगा आपको, वो आपको डरा के रखेगा टेंस में, कि नहीं आप एकदम 100% बनाए, 99%। समझ में आ रहा है? आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। तो जो डर गया सो, आज मौसम भी बहुत अच्छा कर दिया है ना, और बहुत जबरदस्त जुलूस भी आज होने वाला है, पता है ना आप लोगों का? हैं आप जुलूस में? हम कोई जुलूस में नहीं जाते, हालांकि सब बोल रहा है, तो बहुत सा कॉन्टैक्ट वाला है, लेकिन हम जाते नहीं हैं जुलूस में, ठीक है? भीड़ वाला चीज हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, भीड़ वाला खाली हमको अपना क्लास ही अच्छा लगता है। सेंटेंस में हम बात करेंगे, बस दो सेंटेंस में मामला क्लियर हो जाएगा। कल वाला नोट्स बना है सबका? हाँ, हम अभी लास्ट में चेक कर लेंगे जिनका जिनका, खाली डेट देख के सारा चीज़ देखा रहना चाहिए। कोई माफ़ी नहीं है सब चीज़ के लिए, क्योंकि लापरवाही आप लोग कर चुके हैं, बात समझ में आ रही है? इसका कम हुआ है, लेकिन आप लोग लड़कों का ज़्यादा हुआ है, हम एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बात पैसे की अब रहती ही नहीं जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं, तो बात मेरे मान सम्मान और आपके भविष्य की होती है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, ठीक है? देखिए, हम दो बात लिखेंगे, दोनों बात में से आपको खरिया लेना है, ठीक है? आपको याद आएगा कि ये बात पहले भी लिखे थे, कल रात बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, एक बात हो गया, और दूसरा बारिश हो रही थी इसलिए सड़कें भीगी है, बारिश हो रही थी इसीलिए सड़कें भीगी हुई हैं, भीगी हुई है ना। एक और लिखते हैं, दो घंटे से बारिश हो रही है, उंगली लिखी, तीन बातें उंगली लिखी बेटा, ठीक है? अब पहला बात जो है इसको समझो, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला में काम हो रहा था, ये पास्ट में कंटिन्यू, हाँ या ना बोलो? पास्ट एक्शन कंटिन्यू, और पास्ट टाइम ही है कि नहीं बेटा? yes, है ना, तब इसका नाम होता है पास्ट कंटिन्यूअस। इसका क्या नाम होता है बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस। और इसमें जो स्ट्रक्चर होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है वाज वेयर प्लस डी फोर, वाज वेयर प्लस डी फोर, एकदम घुर के पी जाना है बेटा टेंस को, टेंस में कोई माफी नहीं, ठीक है? पास्ट में एक्शन कंटिन्यू और पास्ट टाइम भी, तब क्या होगा बेटा? वाज वेयर प्लस डी फोर, और टेंस का नाम क्या रहेगा प्यारे बच्चे? यहाँ भी लिखा हुआ बारिश हो रही थी, लिखा हुआ ना सेम चीज, यानी पास्ट एक्शन कंटिन्यू, हाँ या ना बोलो? पास्ट एक्शन कंटिन्यू, लेकिन पास्ट टाइम है कहीं लिखा हुआ नहीं, इसमें प्रेजेंट में उसका इफेक्ट है कि सड़कें भीगी हुई हैं, तो ये सड़कें भीगी हुई हैं, ये प्रेजेंट कनेक्शन है, हाँ या ना? देखिए तो प्रेजेंट कनेक्शन है कि नहीं है, तब ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका अंक स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज या हैव प्लस बीन प्लस बीफोर, समझ में आ रहा बेटा ये बात जो हम बोल रहे हैं? हाँ अंशी, क्लियर है बेटा? ठीक है, जबकि यहाँ रहा था रही थी लगा हुआ है, तो आप तो पढ़े हैं कि रहा था रही थी, रहे थे रहे, तो पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे,
लेकिन बेटा यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि यहाँ पास्ट टाइम ही नहीं है, उल्टे प्रेजेंट कनेक्शन है, प्रेजेंट कनेक्शन है दिया हुआ। देखिए इसको कनेक्शन लिखना चाहिए था ना, प्रेजेंट कनेक्शन है यहाँ दिया हुआ है ना, बोलिए रहा था रही थी रहे, लेकिन पास्ट टाइम दे दे तभी पास्ट कंटिन्यूअस होगा, वाज वेयर प्लस बी फॉर होगा, लेकिन रहा था रही थी है और पास्ट टाइम नहीं दिया है बल्कि प्रेजेंट कनेक्शन दे दिया है, तभी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज या हैव बी प्लस बी फॉर। क्लियर है बात? अब इसमें देखिए बारिश हो रही है पास्ट से लेके प्रेजेंट तक, पास्ट से कौन है प्रेजेंट तक, देखिए ना दो घंटे से बारिश हो रही है, मतलब कब शुरू हुआ, दो घंटा पहले, अभी हो रही है, दो घंटे से हो रही है पास्ट से लेके प्रेजेंट तक, तो प्रेजेंट तक हो गया तो प्रेजेंट कनेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, नहीं हो गया, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज हैव प्लस बीन प्लस बिफोर। बस समझ में आई? चलिए अब आप लोग तीनों को ट्रांसलेट करके दिखाइए हमको। देखिए हमने आपको जो समय दिया उसमें देखिए ये है पास्ट एक्शन, कल रात बारिश हो रही थी, मतलब पास्ट में कंटिन्यू था काम, अब पास्ट टाइम भी चर्चा कर दिया, तब इसका टेंस कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस, और इस स्थिति में वाज वेयर प्लस बी फॉर यूज करें। अब इसका अंग्रेजी क्या होगा, इट वाज रेनिंग लास्ट नाइट, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे ईट कहां से आ गया, तो बारिश होने वाले सेंटेंसेस में अपने मन से ईट लगाते हैं, याद रखिए ये बात, याद रखना पड़ेगा, याद रख जाएगा, बोलो बेटा। Yes, sir. Very good. अब देखिए इसमें भी वैसा ही सेंटेंस है कि बारिश हो रही थी, इसमें भी बारिश हो रही थी, इसमें भी बारिश हो रही थी, लेकिन इसमें और ऊपर वाले में सेकंड और फर्स्ट में फर्क क्या है कि फर्स्ट में हम लोग पास्ट टाइम का चर्चा किए कि बारिश कब हो रही थी बताए हैं, इसमें कब हो रही थी बताए हैं क्या, नहीं बताए, यानी इसमें पास्ट टाइम, सेकंड वाले में पास्ट टाइम का चर्चा नहीं है, साथ ही साथ सेकंड वाले में एक ऐसा सिचुएशन का चर्चा है कि पास्ट में बारिश हो रही थी उसका इफेक्ट या कनेक्शन है प्रेजेंट में सड़के भीगी हुई, तो एक्शन ये भी पास्ट में कंटिन्यू था कि बारिश हो रही थी, लेकिन टाइम नहीं बता के इसका प्रेजेंट कनेक्शन बता दिए, तब इस टेंस का नाम हो जाएगा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हैज हैव बीन प्लस बिफोर लगेगा। अब इसका अंग्रेजी क्या होगा, इट वाज रेनिंग होगा क्या, इसमें नहीं होगा बेटा, ये गलत हो जाएगा है ना, इसके जगह लिखना पड़ेगा क्या, कैसे होगा बेटा, कंटिन्यू के लिए तो हमेशा बिफोर होता है, कंटिन्यू के लिए तो हमेशा क्या होता है बेटा बिफोर। अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हैज बीन लिखना पड़ेगा, हैज बीन लिखना पड़ेगा है ना, बोलो बेटा। इट हैज बीन रेनिंग, ठीक है, और साथ ही साथ लिखना पड़ेगा इसीलिए सो सड़कें भीगी हुई हैं, द रोड्स आर वेट, ये इतना समझ में आ गया सारे बच्चों को है ना, तो टेंस कौन सा चला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जबकि हिंदी में रहा था रही थी रहे थे लगा हुआ है, जो बच्चा मेरे साथ लिखेगा वो नहीं सीखेगा है ना, जब हम लिख रहे हैं बेटा तो नहीं लिखना है मेरे पास बच्चा, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिंदी में रहा था रही थी रहे थे लगा हुआ है, लेकिन वाजवेयर यहाँ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रहा था रही थी रहे थे रहने पर वाजवेयर तब लगता है जब पास्ट टाइम का चर्चा हो, बात समझ में आ रही है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो ऐप पे जाएगा, आपको ऐप पे 10 बार 20 बार जितना बार मन उतना बार देखिए वीडियो को कि सर क्या बोल रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं, जितना बार देखिएगा उतना बार कंफर्मेशन होते जाएगा, बात समझ में आ रही है, कोर्स 6-7 महीना में खत्म हो सकता है लेकिन आपका ये वीडियो 1 साल तक आपको ऐप पे मिलेगा, 1 साल में घूर के नहीं मिला जाएगा, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर ये सब आपको मिल जाएगा, किस पे जाकर के, टेलीग्राम चैनल पे, वहां से उतार लीजिएगा, कल वाला मिला था बेटा सारे बच्चों को मिला था,
तो आज हम चेक करेंगे कि आपने नोट किया है कि नहीं किया है, एकदम चेक करेंगे। उत्कर्ष का चेहरा का रंग उड़ जा रहा है बार बार सर की ये वजह से, तो देखते रहते हैं अभी, देख ही लेते हैं ठीक है। तो अब इसका क्लियर हो गया। अभी देखिए कि 2 घंटे से बारिश हो रही है, बारिश अभी कल ही हो रही है क्या? 2 घंटे से हो रही है, मतलब पास्ट से प्रेजेंट तक। तभी सिचुएशन भी रहे तो कौन सा टेंस होता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे? हैज हैव बीन प्लस वी फोर, हां कि ना बोलो? तो अब देखो क्या बनेगा, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। हाँ, सिंस इसलिए नहीं लगेगा बेटा इसमें, क्योंकि सिंस तभी लगता है जब ये वाला टाइम जो है लिखा हुआ है, ये टाइम घड़ी या कैलेंडर में दिखे, घड़ी या कैलेंडर वाले टाइम के साथ सिंस लगता है। यहाँ 2 बजे रहता तो 2 बजे घड़ी में दिखता कि नहीं दिखता? तो सिंस लगता। 2 तारीख रहता तो कैलेंडर में दिखता कि नहीं दिखता? तो सिंस लगता। यानी घड़ी या कैलेंडर वाला टाइम रहेगा बेटा जी, तो क्या लगाइएगा? सिंस लगाइएगा। घड़ी कैलेंडर वाला टाइम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। कितना सिंपल बात हो गया, बोलो हाँ कि ना? यस सर। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। तो आज आपने इस तरह से मेरे प्यारे राज दुलारों क्या सीख लिया? 2 टेंस सीख लिया। कौन सा 2 टेंस सीखा बच्चों, जल्दी बोलो? अरे पास्ट कंटीन्यूअस, अरे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कौन कौन सा 2 टेंस सीखा बेटा? पास्ट कंटीन्यूअस वर्सेस प्रेजेंट। वर्सेस क्यों बोले? क्योंकि देखिए दोनों में तुलना करके हम बताए हैं कि हिंदी से नहीं चलना है, सिचुएशन से चलना है। राइट है कि रॉन्ग है? प्रेजेंट हमको लग रहा है कि हम यहाँ कुछ अच्छा नहीं लिख रहे हैं, तो इसको अच्छा लिख देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस। वाह 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 क्या बात है, क्या? अरे मस्ती करते हो, एक ही चीज आदमी पढ़ने को तो नहीं होता है क्या? बताओ थोड़ा सा मस्ती करो। ये समझ में आ गया सबको? यही 2 सिचुएशन है, थोड़ा सा बात कर ले, आज तनी मनी ज्यादा बात कर ले, नहीं बोलोगे तो कर लेते आज। कल भी हम लोग 2 सीखे थे, याद है कौन कौन 2 सीखे थे? कौन कौन बता दो? और प्रेजेंट परफेक्ट। और आज क्या सीखे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। टोटल कितने टेंस सीखे? 4। भाई साहब 4 टेंस सीखे है ना अभी यार। भैया जेबे करे आज वो जाए, ठीक है? एगो लिखेंगे और 2 लिखेंगे, ठीक है? उसने कल रात खाना खा लिया था, ठीक है? ये बात हो गया, जो मेरे साथ लिखा वो सब नहीं सीखा। लिखने के तो हम देते ही है ना। अब देखिए कल रात होमवर्क किए थे आप लोग, हाँ ना बोलिए? होमवर्क करने से पहले सब पलट पलट के देखा क्या होमवर्क मिला था, कहीं अच्छा से तो नहीं। कल रात होमवर्क करने से पहले उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया था। एकदम निश्चिंत रहिए, मस्त होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा? मस्त होने वाला है, ठीक है? अब जरा देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, उसने कल रात खाना खा लिया था और उसने खाना खा लिया था, दोनों में है ना? देखिए कब की बात है बेटा, प्रेजेंट की बात है कि पास्ट की बात है? पास्ट की बात है, हाँ या ना? आ इसमें पास्ट टाइम भी दिया है कि नहीं दिया है बेटा, हाँ ना बोलो? यस सर। वाह वाह, तो हम बताए थे कि पास्ट एक्शन और पास्ट टाइम दोनों रहे तो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है, कल ही बताए, जो कि उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग आज भुला गए, ठीक है? पास्ट एक्शन और पास्ट टाइम जो है इस टेंस का क्या नाम होता है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या आप देखना चाहते हैं कि हम ये चीज कल पढ़ाए हुए हैं आपको? दिखा दे एक बार झलक, कॉपी में लिखे है ना? हाँ कॉपी में ही लिखा हुआ है, दिमाग में नहीं है सर। आप बताओ इसका क्या ट्रांसलेशन बनाओगे बेटा, जल्दी बोलो। ही एट कब खाया था बेटा? लास्ट नाइट खाया था, है ना? वाह क्या बात,
देखिए तो हम लोग वी टू यूज किए हैं कि नहीं किए हैं? अंशिका क्लियर है बेटा जी? है घुसा के किया अच्छा से, शाबाश। अब देखो इसमें क्या है, पास्ट में दो काम है बेटा, एक कौन सा काम है? आएगो होमवर्क करना भी है पास्ट का ही काम। अच्छा देखो तो पास्ट में दो काम है तो दोनों एक साथ है कि आगे पीछे है बेटा जी? आगे पीछे है ना बेटा जी? पहले कौन काम हुआ पहले देख को बता दो, ये पास्ट में पहले होने वाला काम, पास्ट में पहले होने वाला काम, होने वाला काम। यही काम कब हुआ बेटा? पास्ट में ही हुआ, कल रात ही भी हुआ, नहीं पास्ट में हुआ, लेकिन ये पास्ट में बाद में होने वाला। याद रखिएगा जो काम पास्ट में हुआ है वो वी टू है, और जो पास्ट में पहले हो गया मतलब कि पास्ट में हुआ उसके पहले वो हो गया था, आया ना, तो ये हो जाएगा बेटा हैड प्लस वी थ्री, और इसका नाम होता है बच्चे पासट परफेक्ट। कौन सा टेंस नाम होता है इसका? पासट परफेक्ट। और इसका क्या नाम है बेटा बता दो? पासट इंडेफिनिट। यानी अभी अभी बात बात में आप फिर से दो टेंस सीखे, एक तो सीखे हुए थे ही वाला सभी, एक नया ऐड हो गया। यानी हिंदी देखिए, ये हिंदी और ये हिंदी एक जैसा है, लेकिन जब हम इस सेंटेंस में दिखा दिए कि ये काम पहले हुआ था इसके बाद भी कुछ और हुआ बाद वाला, जब दो काम ऐसे ला दिए पास्ट में रेफरेंस, तब सेम हिंदी रहने पर भी पास्ट इंडेफिनिट से किस टेंस में आप लिखाने लगेगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का यही कांसेप्ट है, सब लोगों को समझ में आ रहा है मेरा बात हुआ? अरे हाँ बोलो, वाह क्या बात है। अब ट्रांसलेशन बनाओ। अब ट्रांसलेशन में क्या करेंगे कि हमको देखना पड़ेगा। मेघा बिटिया क्लियर है बाबू? देखो यहाँ पर आप देखो अच्छे से कि एक काम आपका ये है, हाँ या ना, और एक काम आपका ये है। कितना सुंदर लगता है ना बोलवा इसे देखना, कलरफुल से हमको बड़ी सुंदर लगता है देखने, मन करता है इसे जाके इधर से इसे देखते रहे, तो हम देखते रहेंगे पढ़ा रहे। तो समझो बेटा आप इसमें दो हिस्सा हो गया, अब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो किधर से बनाना शुरू करें, ये पहला वाला हिस्सा से कि दूसरा वाला हिस्सा से? क्यों ऐसा बेटा जी? बहुत अच्छा शाबाश। हम कल भी बोले थे कि मेघा का थोड़ा पकड़ ज्यादा बढ़िया से है, उसके दिमाग में ज्यादा अच्छा पढ़ाई, नजर न लगे टचवुड, इज्जत नहीं करा देना, पढ़ाई कर दिया है तो ठीक है, तो मान लो पता लगा क्या पढ़ाई कर दिया, कल सब का पका के आगे खुद इज्जत हो रहे ठीक है, यही पढ़ाई किए थे उसका, यही बड़की तेज है वो ठीक है। तो आप देखो बेटा जी क्या है कि ये भी पार्ट है, लेकिन ये आपको अधूरा लगता है, कल रात होमवर्क करने कंप्लीट नहीं ना लगा, आई क्या है कंप्लीट लग रहा है, उसने खाना खा लिया था, कंप्लीट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो बेटा आप सोचो कि आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, एक दो दोस्त गए आपको है ना, आपका एक दोस्त है आप है, आप दोनों में से एक बच्चा ऐसा है जो कि पूरा अपना एथी लिए हुए है, डॉक्यूमेंट सब पूरा फुल फी लिए हुए है, और एक बच्चा दोनों में से ऐसा है जिसका सब कुछ अधूरा है, तो पहले एडमिशन किस पर होगा? जिसका सब कुछ पूरा है वही बात है, पूरा कंप्लीट है, इसका काम पहले करेंगे बेटा जी। सब लोग समझ पा रहे हैं ना बोलो? तो उसने खाना खा लिया था, बनाते समय ध्यान देना है कि हेड प्लस वी थ्री लगाओ, क्या लगाओगे बेटा? हैड ईटन, फूड लिखो, डिनर लिखो, ना लिखो, एक ही बात है, हाँ ना बोलो? अब बीच में देखो फेविकॉल डाला हुआ है, किस कंपनी का फेविकॉल डाला हुआ है? से पहले कंपनी का, से पहले कंपनी का अंग्रेज लोग क्या नाम रखा था? विकोर। क्या इस कंपनी का नाम उसने क्या रखा बेटा? इस कंपनी। बोले फेविकॉल नहीं डालेंगे तो दोनों चिपके आपस से जुड़ेगा कैसे? फेविकॉल को ही ग्रामर में कंजंक्शन कहते हैं, अब बढ़ई उसको क्या कहता है? फेविकॉल कहता है, हाँ कि नहीं? ग्रामर वाला लोग क्या कहता है उसको? कंजंक्शन कहता है। नहीं समझ में आया? कैसे फेविकॉल दोनों को जोड़ देता है? तो कंजंक्शन भी तो दोनों को जोड़ देता है, तो फेविकॉल बराबर कंजंक्शन, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ। अरे हाँ ना बोलो? यस सर। तो ये आपका फेविकॉल हो गया। अब जरा देखिए ई वाला, तो बताइए होमवर्क किया क्या था भाई साहब? वही किया था, यही फिर से लिखो। अब भर्ब कौन सा रूट में डालोगे? कंप्लीटेड है ना, द होम वर्क। और क्या लिखोगे लास्ट नाइट? बोलो हाँ कि ना,
अब बताओ कोई बच्चा की कठिन चीज पढ़ा दिए क्या हम? ऐसा और प्रैक्टिस करा देंगे। अब नोटिया दीजिए धर के पहले। अब देखिए बेटा, इसमें भी उसी तरह से दो भाग था, देखिए है ना, यही है ना बेटा जी। तो आप बनाए होंगे द स्टूडेंट्स हैड रिच्ड, द स्टूडेंट्स हाँ या ना बोलिए, हैड कम या रिच्ड अराइव्ड कुछ भी लिखे होंगे, लेकिन हैड प्लस बी थ्री लगाए हैं, सही है। यहाँ पर कौन सा कंपनी का फेविकॉल डलाएगा? बिफोर कंपनी का डला गया। ये वाला आई केम टू द क्लास, इन नहीं होगा बेटा, कम टू द क्लास, केम टू द क्लास यस्टरडे, कब की बात हो रही है बेटा बताओ? कितने बच्चों का सही हुआ, हाथ उठा दीजिए जल्दी से, शाबाश। द का गलती गलती नहीं है, आपको देखना है कि यहाँ पर आपने सही किया है कि नहीं, और आपको देखना है यहाँ आपने सही किया है कि नहीं। इतना जो अंडरलाइन किया हुआ भाग वो सही रहना चाहिए। किसका किसका सही हुआ है? सब लड़कियों का। सर हाँ, स्टूडेंट्स हैड रीच्ड बिफोर मी इन द क्लास यस्टरडे। हाँ, बिफोर बिफोर मी इन द क्लास यस्टरडे। अच्छा देखो, तो पहले तो मी कैसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है, मी तो ऑब्जेक्ट होता है। और आना, आना का अंग्रेजी क्या लिखोगे? वी2 होना चाहिए सब्जेक्ट के बाद। पढ़ाए है अभी, सामने है, देखो इधर वाला, देखो क्या था, सब्जेक्ट था और यहाँ वी2 था, था कि नहीं था, कहाँ चला गया, तो काहे के लिए पढ़ा। आप क्या गलती की है बताइए, जल्दी बोलिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्यों नहीं बनाए थे? अच्छा ठीक, बन जाता, दिमाग कह रहा है। आप बताइए ऋषु, शाबाश, हम आपको अगला पुरस्कार दिलवाएंगे भारत रत्न। ये सब गलती करने लायक है, अब रखना होगा। अगला दिन एक और करवा लें प्रैक्टिस, हाँ ना बोलो, एक और करवा लें। देखो मेरे घर पहुंचने के बाद, इसमें के बाद कर दिए, संभल के बनाना, कौन पहले हुआ कौन बाद हुआ, बाद में हुआ, ये बाद, माँ ने खाना पकाया, चलिए बनाइए, मेरे घर पहुंचने के बाद माँ ने खाना पकाया। देख बेटा सारे बच्चे यहाँ पे, देखिए मेरा घर पहुंचना एक काम हुआ और एक काम हुआ माँ ने खाना पकाया है, दोनों प्रेजेंट का नहीं है, दोनों पास्ट का है, दोनों एक साथ भी नहीं हुआ, आगे पीछे हुआ, पहले कौन काम हुआ बेटा? ये पहले हुआ, ये पास्ट में पहले है ना, तो जो पास्ट में पहले हुआ उसमें क्या हो जाएगा, राइट, और ये पास्ट में बाद में हुआ ना बेटा, पास्ट में बाद में, इसमें क्या होगा बेटा, पहले किसका करें, घर पहुंचना वाला कि खाना पकाना वाला? खाना पकाना वाला क्यों होगा उसका पहले, कंप्लीट है, कंप्लीट है, तो बनाइए माय, माय मदर, नहीं खाली मदर पे आप लिख सकते हैं, लेकिन सेंस देखिएगा, माय मदर। जो बच्चे खाली शब्दों पे जाते हैं वो अंग्रेजी सीखने में मुश्किल होगी, जो सेंस पे जाते हैं उनका अंग्रेजी सीखना आसान होगा, ठीक है। मेरे घर पहुंचने के बाद माँ ने खाना बनाया, पड़ोसी की माँ ने, ऐसी बात अपनी माँ की बात कर रहे है ना, इसीलिए लिखे माय मदर कुक्ड। सारे बच्चे समझ पाए इस बात को, कुक्ड फूड है ना। आफ्टर कौन कंपनी का फेविकॉल इस बार हो गया, आफ्टर कंपनी का, राइट, मेरा घर पहुंचना आई रीच्ड होम, ठीक है। तो आपको सही कहां कहां पर चेक करना है, एक तो ये वाला देखो, हैड हैड होगा, गड़बड़ा दिया मास्टर बॉस मेरे को कर कितना कितने बच्चों का ये सही हो गया, हाथ उठा दीजिए, एक का सही हुआ, अंशी तुम्हारा भी सही हो गया, शाबाश बेटा। अंशी का कहाँ फंसे, कहाँ पे फंसे बेटा, इसमें
उल्टा कर दिए थे, जबकि हम अभी हाईलाइट कर रहे थे ना, ध्यान दीजिएगा, पंजाब इसमें उल्टा होगा। रिशु तुम्हारा हेड से क्या दुश्मन है भाई साहब? उत्कर्ष शाबाश, जात है दोनों एक जात के। ऋषि बाबू सर आई विच का होम है, आई विच का दल लगने का कोई जरूरत नहीं, हेड लगाया था ना, यस सर, खाली दल लगा दिया था ना, आर्टिकल से गलती चेक ही नहीं करना बेटा जी, चेक क्या करना है ये वाला, समझे बात को, के पहले दल नहीं लगेगा, गलती नहीं मानेंगे, छोटा सा गलती है, ठीक है, एक वाव हो जाए, एक वाव हो जाए, ठीक है। मेरे घर पहुंचने से 10 मिनट पहले माँ ने खाना बना लिया, मेरे घर पहुंचने से 10 मिनट पहले माँ ने खाना बना लिया। बेटा जी इसमें भी दो पार्ट है, मेरा घर पहुंचना और माँ ने खाना बना लिया, पहले कौन हुआ है बेटा? माँ ने खाना बना लिया। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर जाएगा? हेड प्लस वी थ्री। बाद में कौन सा हुआ बेटा जी? घर पहुंचना। इसमें कौन सा जाएगा? वी टू। पहले किसका बनाएंगे? V2 वाला के हेड प्लस कंप्लीट है, उधर वाला बनेगा माई मैया हेड पकाओ द खाना। क्लियर है यहां तक? तो सबको क्लियर है खाना, बोलो यस सर। किस कंपनी का? 10 मिनट्स बिफोर, बोला 10 मिनट्स बिफोर, 10 को यहां लगा रहा है, वहीं पर लगेगा, दो को वोट मिल गया, चलो इधर वाला बनेगा ना, आई रिच्ड होम, आई रिच्ड होम, इसमें कुछ नहीं दिक्कत है, देखिए अच्छे से सारे लोग, आप यहाँ पर क्या बनाया बेटा जी? V2, यहाँ क्या बनाया बेटा जी? हेड प्लस V3, ये दो चीज सबका सही हो गया होगा, ये भी सही हो गया होगा, फंसे होंगे यहाँ आके 10 मिनट पहले, 10 मिनट्स बिफोर, बस रुचि रुचि आ गया आप लोग, नाम से ही दोनों बहन लगती है, अंशी अंशी का, लेकिन है क्यों नहीं, ये मामला कैसे करवा रहे? अच्छा ना ऐसी मस्ती समझ में हुआ है कि किसका किसका सही, ये वाला किसका सही हुआ, दोनों का सही हुआ, शाबाश। बाकी दोनों का पढ़ा हुआ था पहले से, कॉमन सेंस लगाया नहीं करवाए थे, कॉमन सेंस लेकिन लगा दिए, शाबाश, ठीक है। ऐसा कीजिए 55 ग्राम आप लोग भी उधार मांग लीजिए, ठीक है। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया, यानी अभी आपको पास्ट परफेक्ट भी क्लियर हुआ है ना। एक और सिचुएशन ले लेते हैं, मामला क्लियर कर देते हैं, हो जाएगा जा रिया पार, कल है पूरा खत्म, आपकी ना कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। इधर ला करके हेडिंग बना देते हैं, कौन सा टेंस यहाँ से स्टार्ट किए थे? पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट, हेडिंग इसलिए बना दे रहे हैं बेटा जी कि बाद में अगर आप नोट्स बनाइएगा तो आपको क्लियर कट रहे कि क्या पढ़ाया गया, राइट है कि रॉन्ग है। अब बेटा जी देखिए मजेदार चीज जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं आगे बढ़ा देते हैं, अगला स्लाइड में ले लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूजी करना भी अच्छा बात है नहीं, ठीक है, साफ साफ रहेगा सब, बच्चों को अच्छा से समझ में आएगा। कल रात मेरे घर पहुंचने से
कंटिन्यू है ना, अब पास्ट टाइम देखिए, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे पास्ट एक्शन कंटिन्यू पास्ट टाइम के साथ बताए थे बेटा, याद है इसका टेंस क्या हुआ था? पास्ट कंटिन्यूअस। और इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ था बेटा, याद है? वाज वेयर प्लस निफो, हां कि ना? और ये है पास्ट, है ना, ये पास्ट में पहले हुआ, हां ना, बोलो याद है? देखो तो पास्ट में पहले कंटिन्यू, पास्ट में पहले कंटिन्यू आई, पास्ट में बाद में हुआ, हां या ना? जो पास्ट में बाद में होता है वो भी टू, अब पास्ट में पहले है तो अब यहां पर हैड बीन प्लस बिफोर लगेगा, इसका नाम होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका क्या नाम होगा बेटा जी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सारे प्यारे बच्चों को समझ आने की बात है, यही सेंटेंस है मेरी माँ खाना बना रही थी यहाँ भी, लेकिन यहाँ पास्ट में एक ही एक्शन है, पास्ट टाइम है, इसलिए पास्ट वेयर प्लस डिफॉल्ट, ठीक है? और यहाँ पास्ट में है लेकिन ये पहले हुआ है, इसके बाद भी कोई काम हुआ, दो बात आ गया, इसीलिए हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर इसके जगह ऐसे लिख दे कि मेरी माँ खाना बना रही थी इसीलिए थकी हुई है, मेरी माँ खाना बना रही इसीलिए थकी हुई है। अभी भी देखिए खाना बना रही थी, पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शन कंटिन्यू, पास्ट एक्शन कंटिन्यू, लेकिन प्रेजेंट कनेक्शन है कि नहीं? वह छुपा हुआ है, प्रेजेंट कनेक्शन है कि नहीं है? अरे हाँ ना, कोई बोल तो दो भाई, इतना तो बोल दो कि नहीं नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं? तब प्रेजेंट कनेक्शन जैसे हो गया बेटा, इसका नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हिंदी तीनों में एक जैसा है लेकिन तीनों में सिचुएशन अलग अलग है, इसी वजह से टेंस तीनों का अलग अलग हो गया, हाँ या ना बोलेंगे? बहुत सिंपल, हिंदी से हो रहा है टेंस की सिचुएशन से हो रहा है, जो हिंदी से टेंस पढ़ेगा वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा, क्लियर है बात? क्योंकि हिंदी हम लोग ऐसी मिलता जुलता है, हिंदी सब में एक जैसा बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं, तो जब हिंदी एक जैसा गलती सलती बोल ही रहा है उसे टेंस कैसे सही पकड़ में आएगा, सोच लो। तो टेंस सही में पकड़ में आने के लिए, सही टेंस पकड़ा जाए अंग्रेजी में, उसके लिए हिंदी नहीं देखता है, समझ में आ रहा था जी? तो अब बताइए क्या बनेगा इसका, ये पहले बनाइए तो मेरी माँ खाना बना रही थी, क्या बनाइएगा? माई हैड बीन कुकिंग, हाँ ना बोलिए? किस कंपनी का फेविकॉल डालिएगा? बिफोर कंपनी का डाल दीजिए, आई रिच्ड होम लास्ट नाइट, सही आया ना? आई रिच्ड होम लास्ट नाइट, राइट? इसका क्या बनेगा? My mother was cooking last night, हाँ कि ना? ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें क्या बनाइएगा? My mother has been cooking so She is tired. She is tired. Situation के हिसाब से सबका टेंस देखिए अलग अलग है कि नहीं है, सबका टेंस देखिए सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग है कि नहीं है, जबकि हिंदी सबका सेम है ना? तो बेटा अभी आपको मिल गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना? मिल गया ना? देखिए क्या पढ़ाया, राइट? इसको कंपेयर किस-किस से कर दिए? पास्ट कंटिन्यूअस से और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से कंपेयर करके हम आपको दिखा दिए कि नहीं दिखा दिए कि हिंदी तीनों का एक जैसा रह सकता है लेकिन तीनों का सिचुएशन अलग है, इसलिए तीनों का अंग्रेजी भी अलग-अलग टेंस में होगा। बेटा आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, सब टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा, अब वीडियो आपको बैकअप के लिए कहां मिल जाएगा? ऐप पर, क्लियर है बात? चलिए आज के लिए इतना ही।